है जिस गली में शहर के अंदर आपको नाली के अंदर खून मिले तो कृपया करके मुझे या मेरे संगठन के व्यक्ति को बताएं, हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है। दोस्तों, देश में जहां एक तरफ बजरंग दल को बैन करने की बातें हो रही हैं, तो वहीं बजरंग दल के आतंक की तस्वीर भी लगातार देश की जनता के सामने है। कैसे हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को चलाने के लिए, वो देश की जनता के सामने है। और अब जैसे ही बकरीद का त्योहार करीब आने वाला है, तो बजरंग दल के जो ये आतंकी गुंडे हैं वो खुलेआम सड़कों पर आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि बकरीद के मौके पर अगर कहीं भी नाले में आपको खून दिखाई दे तो हमें संपर्क करें और उस घर की फोटो हमें भेज दें और फिर हम बताएंगे कि कैसे कुर्बानी दी जाती है। सोचिए कि खुले आम नरसंहार का ऐलान इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। और ये धमकी जो है उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आई है कि कैसे हरिद्वार में बजरंग दल के गुंडे खुलेआम बकरीद के त्योहार के नजदीक आते ही मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। पहले उसके इस बयान पर नजर डाल लीजिए। जिस गली में शहर के अंदर आपको नाली के अंदर खून मिले तो कृपया करके मुझे या मेरे संगठन के व्यक्ति को बताएं, हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है, क्योंकि ये हमारी हरिद्वार नगरी है। अगर हरिद्वार धर्म नगरी के अंदर हम अगर अपनी धार्मिक भावना को साथ खिलवाड़ करने देंगे तो ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। यहाँ सैकड़ों मांस की दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं। ये चिकन सेंटर जो राम भगवान और दुर्गा चौक के बीच में खुलेआम, क्या भगवान जी की आरती करने से क्या फायदा? भगवान जी की आरती करने से क्या फायदा? तबली बजाने से क्या फायदा? भगवान राम जी की पीठ के पीछे चिकन सेंटर, वहां पे खुलेआम बाहर चल रहे हैं। हमारी जिला प्रशासन से सरकार से अनुरोध है कि इनकी जितनी भी दुकानें मास की हैं या वो नशे, ये जो ठेका शराब का नगर निगम क्षेत्र में आ गया, पहले जो है ये अंग्रेज शराब का ठेका जो है हर की पौड़ी से 15 किलोमीटर दूर था, 20 किलोमीटर दूर। जब जब भाजपा की सरकार आई 5 किलोमीटर यह ठेका और आगे आ गया। अगर अगली बार भी भाजपा की सरकार आई यही ठेका ऋषि कुल के अंदर होगा। यह हमारी धर्म नगरी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे भाजपा के विधायक आदेश चौहान, मदन कौशिक। इन्हें सिर्फ हिंदुओं के वोट चाहिए, इन्हें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। एक हमारे भाजपा के नेता नए नए उभर रहे हैं, वो उन्हें मेयर की टिकट चाहिए। वो एसओ साहब के पास गए, गोहत्या करने वालों को देखे, उनकी पैर भी करने गए, कितनी शर्म की बात है। और वो सोच रहे हैं कि मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगा तो मुसलमान मुझे वोट देंगे। मुसलमान तुम्हें एक वोट नहीं देगा, तुम हिंदुओं के 20 वोट अपने खो बैठोगे। हिंदू समाज को अब एक होकर लड़ना होगा। ये धर्म की लड़ाई है, ये किसी संगठन की लड़ाई नहीं है कि बैरो सेना लड़ रही है। जितने भी हरिद्वार के संगठन है सबको मिलकर हिंदू समाज को मिलकर लड़ना होगा कि ये हरिद्वार है, धर्म नगरी है। अंग्रेजों के शासन काल में धर्म नगरी की मान मर्यादा का ख्याल रखा जाता था। आप हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेजों के शासन में लक्सर में ट्रेन रुकती थी तो आपने देखा कि किस तरीके से ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा किया गया तो मुसलमानों खबरदार हो जाओ, तुम्हारी कुर्बानी ली जाएगी। ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी करके उन्हें धमकी देने का काम कर रहे हैं, उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं, तो शायद इन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है, जहां आर्टिकल 25 हर धर्म के लोगों को अपने तरीके से चीजों को करने की इजाजत देता है। और जैसे ही यह बयान सामने आया है तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आ गई है। कविश अजीज जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लिखती हैं कि आपको किसी भी नाली में खून दिखाई दे तो फौरन बताइए, फिर हम इनको बताते हैं कि ईद कैसे मनाई जाती है।
बकरीद को लेकर बजरंग दल के गुंडे खुलेआम हरिद्वार में बयान दे रहे हैं और सीधी धमकी दे रहे हैं। क्या ये हेट स्पीच में नहीं आएगा? क्या इनका घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा? ये पुष्कर धामी जी से सवाल लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही एक पंडित सुधीर लिखते हैं कि योद्धा जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती है, देखिए इस भाई का तरीका भी एक बार देख लेना चाहिए। ईद मनाने का उसके बाद ही कोई स्थिति स्पष्ट होगी। देखिए भारत में 1947 के बाद जो मुस्लिम रुके थे वे केवल होली दिवाली मनाने के लिए रुके थे, परंतु अब वातावरण दूषित भय करने लगे हैं। इसके बारे में तो कई लोग लिखते हैं, लेकिन हरिद्वार में चिकन या मीट मटन शॉप है ही नहीं, ज्वालपुर में है और इन लोगों को फेमस होना रहता है कुछ नहीं, घर में तो कोई मुंह नहीं लगाता, इन्हें बाहर जाकर गंदगी फैलानी होती है। जो वही के लोग इस बारे में लिख रहे हैं, एक आजाद सिंह लिखते हैं कि पागल हो क्या, हेट स्पीच में कैसे आएगा, ये भाजपा वाले हैं, इनको तो सात खून भी माफ है, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए कानून अलग है और हिंदूवादी संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये कानून अलग है। और किस तरीके से तमाम चीजें हर बार देखने को मिली हैं, बकरीद के मौके पर एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, मुसलमानों का खास त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जाएगी। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने भी इसकी घोषणा कर दी है। इस त्यौहार को मुख्य रूप से कुर्बानी के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। हालांकि बकरीद किस तरह होगी इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इस बीच बकरीद कुर्बानी और नमाज को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ जहां मुसलमान बकरीद पर विशेष छूट की मांग कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए है। इस साल पूरे देश में बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस त्यौहार को हजरत इब्राहिम की दी गई कुर्बानी की याद के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान ईदगाह या मस्जिद के सामूहिक रूप नमाज पढ़ते हैं, फिर घर पर जानवर की कुर्बानी देते हैं। इसके बाद कुर्बानी के गोश्त को गरीबों यतीमों में बंटवा दिया जाता है। ईद की तरह ही बकरीद का त्यौहार भी 3 दिन मनाया जाता है। बता दें कि बकरीद को लेकर सबसे पहले शफीकुल रहमान बर्क ने केंद्र और राज्य सरकारों से विशेष छूट देने को कहा था। इसके बाद से ही बकरीद और कुर्बानी को लेकर सियासत गर्मा गई। वैसे भी बकरीद में कुर्बानी को लेकर पहले भी कई गैर मुस्लिम विरोधी दर्ज करते रहे हैं। शफीकुल रहमान बर्क ने कहा कि बकरीद पर मुसलमानों को ईदगाह और मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। मुझे यकीन है कि जब ज्यादा से ज्यादा मुसलमान अल्लाह के दरबार में मुल्क की भलाई के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी जरूर सुनेंगे। इसके साथ ही शफीकुल रहमान बर्क ने बकरीद के मौके पर पशु बाजार लगाए जाने की मांग भी की थी। इसके जवाब में बीजेपी विधायक संगीत सोम ने शफीकुल रहमान पर जुबानी हमला बोला और सोम भारती ने कहा कि अगर शफीकुल रहमान के बयान में दम है तो सबसे पहले पाकिस्तान से कोरोना खत्म हो जाना चाहिए। जिस तरह आजम खान की ईद जेल में मनी है, उनकी भी बकरीद जेल में मनेगी। कहा लिखा है कि बकरीद पर खेती करने वाले जानवर काटे जाएं, साग आलू खाकर भी ईद मनाई जा सकती है। बकरीद पर यह सियासत जो है देखने को मिली। इसके बाद कानपुर शहर काजी ने भी कहा कि बकरीद के मौके पर हर हाल में कुर्बानी होगी, हमें इसकी छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा हमें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बकरीद के मौके पर कुर्बानी की छूट देगी। मेरी मांग है कि जिस तरह बाकी बाजार लग रहे हैं उसी तरह भेड़ बकरों की बाजार भी लगेंगे। हाल ही में बकरीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें बकरीद के दौरान पशुओं की दी जाने वाली कुर्बानी की परंपरा पर सवाल उठाया गया था। याचिका में यह भी कहा गया था हिंदूवादी संगठनों द्वारा कि बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने बकरीद में दी जाने वाली कुर्बानी को असंवैधानिक बताया था। इसमें गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पशु कल्याण बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया था।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान बकरीद को मौके पर कुर्बानी की इजाजत देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 ने धार्मिक परंपराओं को निर्बाध रूप से मनाने की गारंटी दी है। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2015-16 में बकरीद के मौके पर कुर्बानी को रोकने के लिए दाखिल दी गई याचिका पर विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। पर ये लोग ना तो संविधान को मानने वाले लोग हैं और ना ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि इन हिंदूवादी संगठनों को ये लगता है कि देश में यही माय लॉर्ड हैं और जो फैसला देना चाहे वो सुना देंगे और मुसलमानों को खुलेआम धमकी देते हुए दिखाई देंगे। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।